चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झासर का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है बाय आरके सिंह सर वाला, इसका हम प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर प्रैक्टिस सेट 19 नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचे। ये सारी क्लासेस मैं फ्री में देता हूं, इसका एक रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लेता हूं। तो आपका सिर्फ फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को अच्छा से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 121 मीटर तथा 165 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। उसके मिलने के क्षण से वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से कितने समय में पार कर लेंगे। ट्रेन है जो इधर से जा रही है, ठीक है, अगर इसकी लंबाई हम दे दें 121 मीटर, एक ट्रेन भी जो इधर से आ रही है, अगर इसे बी देते हैं, इसकी लंबाई है 165 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है। तो इन लोग के मिलने के एक दूसरे को पूर्ण रूप से कितने समय में पार कर जाएगी। जब ये ट्रेन इधर आएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि देखिए इस तरीके से ट्रेन दोनों आमने सामने होगी। जब उस समय ये दोनों ट्रेन आमने सामने होगी तो जो डिस्टेंस होगा ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये दूरी जो होगी इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और चाल की भी बात करें तो इन दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, समय पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, यही होगा। अब देखिए 121 मीटर की बात की गई है और यहाँ पे किलोमीटर है तो इन दोनों को अब क्या देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इन दोनों का चालों किलोमीटर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने का, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है, ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 144, और इसे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे। जब 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 से कट जाएगा 9 बार में, ये हो जाएगा 15 × 10 = 0, हाथ में 1 × 7 = 35 = 36, 360/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं समय हमको निकालना, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रेनों का जो अंतर, दोनों ट्रेन का जो दूरी है यानी कि जो लंबाई है वही क्या हो जाएगा हमारा दूरी, ये क्या हो जाएगा 121 प्लस 165 बट्टा स्पीड क्या आ गया 360/9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 5 × 6 = 6 × 6 = 8 × 1 = 2/360, ये 9 कहाँ चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए काट दीजिए इसे, 9 × 6 = 36, 40 बार में कट गया, 4 × 7 = 28, 280 दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी 7.1 सेकेंड क्या लगेगा, 7.1 सेकेंड के आसपास हमारा आंसर लगेगा। तो ऑप्शन कौन होगा, तो 7.1, चलिए एक दो ऑप्शन दे दिया 7.1, इसे पूरा काटना होगा तो 286 यानी कि ये बचेगा 20, तो यानी 7.15 सेकेंड क्या हो जाएगा आंसर, 7.15 सेकेंड यानी कि ऑप्शन डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक नियुक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, तो 9:8 और क्या हो जाएगा 14:5 में 15 में बढ़ाता है, कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 थी तो उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी, गुना कर देंगे 14:9 क्या हो जाएगा 126, 15×8 = 120, कितना का अंतर है तो यहाँ 6 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है तो 6 का अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा,
इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। अब देखिए कह रहा है कि वेतन बिल की राशि में जो मूलतः 1890 थी, तो उक्त दो परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, यानी कि 126 का वैल्यू 1980 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 126 का अंतर 180 है, तो एक बार में जाएगा ये 126, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 720, 12 5 60, 12 6 72, यानी कि 5 बार में जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है कि 52, 54, 55, 56, 54, 55, 53, 51 और 57 का बहुलक क्या गया। बहुलक क्या होता है, जो संख्या जितनी बार जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट करती है वही बहुलक होता है। अब देखिए तीसरा का यही है कि 52, 54, 55, 56, 54, 55, 56, 57। देखिए इसमें कौन सबसे ज़्यादा रिपीट किया है, 55 एक बार, 55 दो बार, 55 तीन बार, यानी 55 तीन बार है, 54 दो बार है, 54 दो बार है, 56 एक, 56 दो बार है, उसके बाद कोई हमको संख्या नहीं दिख रहा है, यानी कि 55 जो है तीन बार है, तो मैक्सिमम वही संख्या रिपीट हुआ है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 55 हमारा बहुलक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर करते हैं। यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, हम यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री ले लेते हैं। अगर थीटा का मान 30 डिग्री ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये √3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि 3/√3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो ये हो जाएगा 9/3 यानी कि 3, यानी कि ये संख्या को है जब हमारा इससे वैल्यू 3 आ गया तब तो ऑप्शन जो लेंगे, ऑप्शन ए लेंगे, उसमें भी 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 1+cos θ/1-cos θ। अब 1+cos 30° का मान कितना होता है, तो cos 30° का मान यानी कि 1+cos 30° / 1-cos 30°, तो cos 30° मान क्या होता है, √3/2, तो 1+√3/2/1-√3/2, ये पॉसिबल है कि इसका मान 3 आ जाएगा, नहीं आएगा तो इसको यही काट देंगे, यानी कि कॉस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, और साइन में पुट करेंगे तो ऑप्शन बी को भी काट दिए, ऑप्शन सी लेते हैं, 1+sin 30° / 1-sin 30°। अब साइन 30° का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1+1/2 1-1/2, ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 3/2, अब 2 - 1/2, ये 2 कट गए, यानी कि 3 हमारा आ गया, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कहता है कि सोनू की आयु और विजय की आयु का अनुपात 4:5 है। सोनू की आयु और विजय की आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है। सोनू की आयु और सुबोध की आयु, सोनू की आयु और सुबोध की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। तो यदि तीनों का योग 69 वर्ष है तो विजय की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों का उम्र का योग जो है 69 वर्ष है, तो कह रहा है कि विजय की आयु क्या होगा, यानी कि विजय का उम्र क्या होगी। देखिए सोनू यहाँ 4 है, सोनू यहाँ 5 है, यानी कि तो सबसे पहले सोनू को बराबर करना होगा, तो इनमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से, ये क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 20, इसमें 5 से गुना करेंगे, ठीक है,
जब 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5×20 और ये हो जाएगा 50×25। और इसमें करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4×5=20, 4×6=24। अब देखिए सोनू का आयु दोनों जगह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 20+25+24 बराबर कितना दिया है, 69 दिया हुआ है। तो 20 और 25 और 24 क्या हो जाएगा, 20 और 25 45, अब 45 और 24 45 यानी 69। ये टोटल 69 साल का है, यानी कि विजय का उम्र कितना होगा, तो विजय का उम्र 25 वर्ष होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि x=7-4√3 हो तो √x+1/√x का मान क्या होगा। देखिए यानी कि जब हमारे यहाँ पे x का मान दिया है तो यहीं से √x लेंगे तब जाके ये वैल्यू आएगा। लेकिन हम यहाँ एक चीज देखिएगा, कभी भी इस तरह का प्रश्न देखे तो इस संख्या को इस तरह तोड़िए, 2ab के फॉर्म में तोड़िए। जब 2ab के फॉर्म में तोड़िएगा तो ये 2a क्या हो जाएगा, 2 और b क्या हो जाएगा, √3। ये देखिए अब हम यहाँ से देखेंगे 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर - ये कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2-√3 का होल स्क्वायर। a² + b² देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4×3 = 7-4√3। बात को समझे, ये एक तोड़ने का तरीका होता है, किसी भी संख्या इस तरीके से फैक्टर में हो यानी कि √3 में हो तो उसको कैसे तोड़ेंगे, यही तोड़ने का तरीका होता है। इस वाले संख्या को 2ab फॉर्मेट में तोड़िए, आपका इस तरीके से संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का मान जब हमारे पास 2-√3 आ गया तो अगर दोनों तरफ हम रूट ले लिए, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √x = √ का ये होगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2-√3। अब हमारे पास √x का वैल्यू 2-√3 आ गया तो 1/√x का वैल्यू क्या होगा, 1/√x का मतलब हो गया 1/2-3। या हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब √x का वैल्यू 2-√3 आता है ना तो 1/√x जो होता है वो 2+√3 में आता है। अब देखिए यहाँ से अगर आप हर परिमेयकरण करेंगे तो इसके अपोजिट से गुणा करेंगे तो 2+√3/2+√3। अब देखिए a+b क्या हो जाता है, a²-b², तो ये 2+√3 तो ऊपर बच जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4-3 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि आपके पास क्या आंसर आ गया, 2+√3। यानी कि कभी भी अगर आपका एक √x का वैल्यू 2-√3 रहे तो √x का वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट साइन में हो जाता है। अगर 2-√3 है तो वो 2+√3 में हो जाएगा, अगर 2+√3 में होता तो वो 2-√3 में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, √x+1/√x का वैल्यू आ गया, √x का मान क्या है तो 2-√3 और 1/√x का वैल्यू आ गया 2+√3, √3 खत्म हो गया, 2×2=4 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 7 छात्रों के एक समूह में एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ तो नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह में औसत अंक 2 बढ़ जाता है। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्रों ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 7 ने परीक्षा दी, माना कि इन लोगों को x मार्क्स मिला। अब एक और शामिल हो जाता है, अगर एक और शामिल होगा तो 8 हो जाएगा, तो इसका औसत कितना बढ़ जाता है, x+2। कितना का अंतर होता है तो +2 का, यहाँ कितना बढ़ता है तो 1, तो कितना बढ़ गया तो x+2 और ये 7 दूनी क्या हो जाएगा, +14। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो x+16=0, तो x= क्या हो जाएगा, -16। लेकिन एवरेज जो होता है वो नेगेटिव में नहीं आता है तो 16 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, तीनों भुजा बराबर होता है, यही समबाहु त्रिभुज होता है। अब कह रहा है कि इन भुजाओं से
के भीतर किसी बिंदु से तीन भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, अगर मान लीजिए यहाँ से एक का 6 है, एक का 7 है और दूसरे का 8 है, डाले 8 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। देखिए ये बहुत इजी ट्रिक होता है कि अगर हमको ए निकालना है ना तो 2/√3 ये जो दे दिया है P1+P2+P3 कर दीजिए, यानी कि 2/√3 दी गई संख्या 6+7+8 यानी कि 8, 6, 14, 7, 21 यानी कि 21 × 42/√3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 42/√3 यानी कि इसका अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 42/√3 को ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना बार में 14 × 42 यानी कि 14√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि सी आई और एस आई का अंतर आपको दिया है 10 वर्ष, रेट आपको दिया है 5 वर्ष, टाइम आपका 2 दिया है, फॉर्मूला लगा देंगे CI − SI = PR² / 100² सी आई का अंतर कितना है 10 रुपया है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमको 5 दिया है तो 5 × 5/100 × 100 50 × 25 = 100 ये इधर आ जाएगा तो P = क्या हो जाएगा 4×40 यानी कि 4000 रुपये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण क्या दिया है कि 2x² − 4x + 5 = 0 है के मूल क्या होंगे, काल्पनिक वास्तविक अपरिमेय वास्तविक अपरिमेय समान। तो सबसे पहले मूल निकालने के लिए इसका डी निकालना होगा, डी बराबर क्या होता है B² − 4AC, बी यहाँ पे क्या है माइनस का 4 है तो −4² − 4 ए कितना है 2 है और सी कितना है बी है, क्या है यहाँ पे 4x + 5 सी कितना है 5 है तो 5 ये क्या आ जाएगा 4×16 − 4×2 = 8, 8×5 = 40 यानी कि ये क्या आ जाएगा −24। जब D < 0 होता है तो क्या होता है, जब D < 0 होता है तो मूल क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 12% की दर से रेट कितना दिया है, 12% रेट दिया है, टाइम आपका 3 साल दिया है, प्रिंसिपल आपका दे दिया 100,000 यानी कि 1,00,000। इस साधारण ब्याज की गणना क्या होगी, SI = क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल दिया है 100,000 × 3, रेट 12%, 100 से गुना कर दीजिए 2 से 2 0 आएगा, 12 × 3 = 36 यानी कि 3,00,000 कितना हो जाएगा 36,000 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 8, 9 और 11 का LCM ज्ञात कीजिए। अब LCM क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही LCM होती है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा √11 इसका LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदा। 2 दर्जन आम का मतलब हो गया 2 × 12 यानी कि 24 आम खरीदा, ठीक है, और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य के दर से बेच दिया। 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है, यानी कि 18 × 3/2 × 12 यानी 2×6 = 36, 18 आम, ठीक है। अब देखिए ये आम है, अब कह रहा क्रय मूल्य के दर से बेच दिया, सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 18/24 यानी कि 18 रुपये में खरीद के अगर आप 24 रुपये में बेचते हैं तो किस पे 18 पे, तो 100% पे कितना फ़ायदा होगा 36, 18 3 से कट जाएगा 33.33 के आसपास यानी कि 33.33 क्या हो जाएगा इतना परसेंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
कि 6 पुरुष और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। इस तरह की कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। अब देखिए टोटल कितना है, महिला मेल की संख्या 6 है और फीमेल की संख्या 4 है और 5 सदस्य का टीम बनाना है। इसे 10 से 5 बना सकते हैं और -6 से 5 बना सकते हैं। यही एक तरीका होगा, 5 का सदस्य बनाना है तो टोटल में से 5 बनाएंगे, एक तो महिला होगी, और इस 6 में से 5 बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 10 से 5 का मतलब क्या हो गया कि फैक्टोरियल 10, तो 10 9, इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, -6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटा, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 9 8 7 9 8 7 6, फैक्टोरियल 5 के कट चाहिए जो फैक्टोरियल 5 को काट सके, और इसे लिख देते हैं 5 4 3 2। अब देखिए 3 2 6 6 को काट दिया, 4 5 5 2 10 4 2 8 2 2 9 4 4 9 36 36 7 कितना हो जाएगा 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 3 21 4 25 यानी 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 3 21 4 25 यानी कि 252 - 6 यानी कि ये कितना हो जाएगा 12 में से 6 गए 6 यानी कि 246 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 15 कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ा देता है, यानी कि MRP जो है कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो MRP ये क्या रखेगा 140 रुपया रखेगा, ये रखेगा, और अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है, ठीक है। तो उसका मुनाफा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया है, MRP पे 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि ये 75 रुपये में बेचेगा, 75 बटा 100 रुपये में बेचेगा, तो देखेंगे तो 25 75 25 24 100 यानी कि 140 का 3/4 इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा। तो इसको काट दीजिए 140 4 से कितना मालूम पड़ेगा 4 3 12 और 4 5 20 यानी कि 35, तो 35 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपया का वस्तु है, अगर आप 105 रुपये में बेचते हैं तो आपको कितना का प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट आपको 5% का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसके प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई, ठीक है। तो उस आदमी के दैनिक कमाई में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, सबसे पहले कार्य को 20% बढ़ाया गया, 20% का मतलब समझते हैं क्या होता है 20/100 यानी कि 1/5 ये होता है। यहाँ पे भी हम 15% क्या है इसकी मजदूरी को 15% बढ़ा दिया गया, यानी 15% का मतलब हो गया 15/100, 5 से कट जाएगा 20 बार में 5 से 3 यानी कि 3/20। अब देखिए कार्य को देखें तो कार्य कितना बढ़ गया, पहले 5 था अब 6 हो गया। अब मजदूरी की अगर बात करें तो मजदूरी पहले 20 थी अब कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, बस इन दोनों का गुणा करिए 20 25 100 और 23 6 36 18 8 1 6 2 9 12 1 13 यानी कितना बढ़ गया, पहले 100 था अब 138 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा यानी कि 38% का वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1 1 7 3 3 7 एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है, एक त्रिभुज है, इन सभी के मध्य बिंदु जो हैं वो क्या हैं 1 1 7 3 और 3 7 हैं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्र का निर्देशांक अगर ज्ञात करना होता है, अगर x का ज्ञात करना तो हम क्या कहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3
अगर वाई के निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, ठीक है। तो इन सभी के केंद्र के निर्देश भुजाओं के मध्य का जो निर्देशांक दिया है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले एक लीजिए, एक प्लस सात प्लस तीन बट्टा तीन, वाई कर लीजिए, वाई हो जाएगा एक प्लस तीन प्लस सात बट्टा तीन, ये क्या हो जाएगा, सात एक आठ, आठ तीन ग्यारह बट्टा तीन, और ये हो जाएगा तीन एक चार, सात चार ग्यारह बट्टा तीन, यानी कि दोनों का कितना आ गया, ग्यारह बट्टा तीन और ग्यारह बट्टा तीन, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अट्ठारह। क्वेश्चन नंबर अट्ठारह क्या कहता है कि दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलने वाली दो गाड़ियाँ एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 8 घंटा तथा 18 घंटा के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती हैं। यदि पहली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगा। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ कि अगर मान लीजिए दो ट्रेन, एक ए ट्रेन है एक बी ट्रेन है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, एक कोई चाल से आ रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिलती हैं और यहाँ से इधर आने में 8 घंटा, एक कितना घंटा का समय लेती है, एक का 8 घंटा समय लगता है, एक का 18 घंटा समय लगता है, और एक का चाल हमारे पास क्या दिया है, एक का चाल दिया है, पहला का चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास V1 का मान कितना दे दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 का मान दिया है 8 घंटा, T2 का मान दिया है 18 घंटा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, वो उसको ड्राइव करके हमने बताया था कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो V1 बट्टा V2 बराबर अंडर रूट T2 बट्टा T1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इस प्रश्न में V1 कितना दिया है हमारे पास, 60 दिया है, तो 60 बट्टा V2 बराबर अंडर रूट T2 का मान कितना है, 18 बट्टा 8। अब इसको काट दीजिए, दो से काट दीजिए, दो चौके 8, दो नौ 18, ये क्या हो जाएगा, रूट 9 बट्टा 4, यानी कि ये 3 बट्टा 2 में बाहर आ जाएगा, तो 60 बट्टा V2 बराबर 3 बट्टा 2, 3 से इसको काट दीजिए 20 बार में, तो V2 क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा 20 दूना 40, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक टोकरी में तीन नीले, दो हरा और 5 लाल बॉल है, क्या है, 5 लाल बॉल है। यदि 3 बॉल बेतरतीब उठाए जाए तो इनमें से कम एक लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब मान लीजिए ये तो तीन बॉल है अलग अलग, अब तीनों को बेतरतीब उठाया जाए तो एक लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, यही हमसे पूछा गया। देखिए, टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, तो प्रायिकता नीचे क्या होगी, 5, 2, 7, 3, 10, 10 से 3 तीन बॉल निकालना है, तीन ही बॉल निकालना है ना, तीन बॉल बेतरतीब उठाना है, तो 10 से 3। अब 5 लाल है तो 5 में से कोई एक निकालना होगा, तो 5 में से अगर ये 5 टोटल लाल है तो ये नहीं निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, 5 से 3, और एक कम से कम लाल हो तो 1 माइनस 5 से 3 बट्टा 10 से 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 से 3 बट्टा 10 से 3। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसका आंसर निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ए और बी स्वर्ण और कॉपर के धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए। दो मिश्र धातु हैं, यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा की तीसरे मिश्र धातु सी को बचाने के लिए पिघलाया जाता है तो सी में स्वर्ण और कॉपर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखिए, पहला क्या दिया है, ए अनुपात बी, किस अनुपात में है, तो एक तो है 7:2 में है, दूसरा है 7:11 में है। अगर हम देखेंगे तो इसका टोटल अनुपात कितना है, 7:9, इसका टोटल अनुपात कितना है, 7:11, 18, यानी कि ये तो टोटल 18:1 में है और ये 9:1 में, यानी कि इसको भी हमें बराबर करना होगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4, अब इनको जोड़ देंगे 11 4 15,
14-7 21 21 अनुपात में आ जाएगा, 3-7 21 3-5 15 यानी कि ये 7:5 में होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या को दो बार लिखने से, जैसे 3-7 3-7 3-7 3-7 ठीक है, या 6-3 6-3 ये लिखने से बनी बन जाती है, तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या जो इस तरीके से हो हमेशा 101 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, देखिए 101 से इसे विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303। ये हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, फिर 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 707 यानी कि कट जाएगा। अगर 63 को लेंगे तो अगर 6 बार में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 606 यानी 6 में 6 गया 0, ये 3, फिर देखिए 3 बार में जाएगा तो 303। यानी ऐसी संख्या जो होती है वो 101 से विभाज्य होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुतम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 28 गुना है, यानी कि HCF से अगर HCF को हम x मान लें तो LCM क्या हो जाएगा, इसका 28 गुना यानी कि 28x हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि दो संख्याओं का लघुतम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से कितना है, 28 गुना है। अगर हमने HCF को x मान लिया तो LCM कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। अब कह रहा है उनके लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो है 1740 दिया है, यानी कि HCF प्लस LCM का योग दिया है 1740, यानी कि x प्लस 28x का वैल्यू कितना दिया है, 1740, यानी कि 29x बराबर 1740 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 60। जब x का मान 60 आ गया तो HCF का मान क्या आ जाएगा, 28 गुना x। अगर x का मान 60 आ गया यानी HCF का, तो LCM भी क्या आ जाएगा, 28 गुना 60 यही आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM हमारा कितना है, 28 गुना 60 और HCF है 60। अगर पहली संख्या कह रहा है कि 240 है, 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए 60 से 240 को काट देंगे कितना बार मिल जाएगा, 4 बार में, 4 से 28 को काट देंगे, 60 को काट देंगे 15 बार में, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 28 गुना 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 गुना 15, अगर इसे 28 गुना 30/2 लिख दें तो कैसा रहेगा, ये कट जाएगा 2 से 14 बार में, 14 3 42 यानी कि 420 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, 420। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, हालांकि ए को कार्य कर होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसलिए कार्य को पूरा होने में 27 दिन लगे। यदि ए अकेला कार्य को 21 दिन में पूरा करता है, ए अकेला कार्य को अगर 21 दिन में पूरा करता है तो ए ने कार्य को पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दिया था। अब देखिए ए सबसे पहले इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 18 और 21 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 18 3 7 6 42 दिया कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 6 12 यानी कि 126। एलसीएम हमारा आ गया 126। अब अगर क्षमता देखें इन दोनों का, तो ए प्लस बी का अगर हम क्षमता देखें तो क्या आ जाएगा, 126/18 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एफिशिएंसी देखें तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 है और ए का सिर्फ अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। अब कह रहा है कि ए 27 दिन कार्य करके छोड़ दिया,
एक सत्कार को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे। यदि अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे, अगर 27 दिन टोटल काम लगते हैं, 27 दिन लगता है और ए और बी दोनों काम करता है, तो 27 दिन में 7 के एफिशिएंसी से ये कितना काम कर देगा, यानी कि 7 के एफिशिएंसी से 27 दिन में ये टोटल कितना काम करेगा, 7 × 7 = 9, हाथ में 4 × 7 = 14 = 18, यानी कि टोटल ये काम कितना होगा, 189 होगा। लेकिन काम हमको कितना करना है, 126 काम करना है, तो 189 में से 126 माइनस कर दें क्या आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 63 काम। अब 63 काम ये ए किया है, ये भी तो काम किया है, ये 6 के एफिशिएंसी से काम किया है, तो अब हमको ये पता चल जाएगा कि कितना दिन पहले कार्य छोड़ दिया था, 63/6 यानी कि कितना आ जाएगा, 10 × 6 = 60, 6 × 5 = 30, यानी कि 10.5 दिन पहले ये काम पूरा होने से कार छोड़ दिया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को कतिपय संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा जाता है, 3/14 ज्ञात करने को कहा जाता है, लेकिन गलती से उसने 3/4 निकाल दिया, तो उसका सही उत्तर से 150 अधिक था, तो दी गई संख्या क्या होगी। सबसे पहले इन दोनों के नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, 14 × 14 कितना हो जाएगा, 56। मान लीजिए संख्या वो 56 था, इसका 3/14 ज्ञात करना था, तो ये क्या हो जाएगा, 14 × 14 = 56, यानी ये तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 14 × 3 = 42, यानी कि 12 से 42 हो गया, कितना का अधिक है, 30 पे कितना अधिक है, तो 150, तो 1 रेशियो पे कितना हो जाएगा, 50। जब 1 रेशियो पे 50 होगा तो 1 रेशियो पे 5 होगा तो 56 रेशियो पे कितना हो जाएगा, 56 × 5, यानी 5 × 36 = 0, हाथ में 3 × 5 = 25, 3 × 28, यानी कि 280 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि tan A = 1, tan B = 2 हो, तो A/B/C का मान क्या होगा। अब देखिए tan A = 1, tan B = 2, हम जानते हैं कि tan A + tan B + tan C बराबर क्या होता है, tan A × tan B × tan C होता है। अब tan A का मान कितना है, 1, tan B का मान कितना है, 2 प्लस tan C। अब tan A का मान 1, tan B का मान 2 गुना tan C। अब ये क्या होगा, 1, 2, 3 प्लस tan C बराबर 2 tan C, ये tan C डर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया, tan C का मान क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या कहता है, A/sin A = B/sin B = C/sin C। अगर हम यहाँ से A इसे अनुपात में लिखें, ये हो जाएगा A/B/C बराबर हो जाएगा sin A का अनुपात sin B का अनुपात sin C का अनुपात। अब देखिए tan A = 1 होता है, tan क्या होता है, लंब बटा आधा। मान लीजिए ये भी लंब एक है, ये नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, एक, तो ये एक और ये एक, ये क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, √2। tan b बराबर अगर 2 है, यानी कि लंब 2 है तो आधार 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, √5। tan c बराबर 3 है तो tan बराबर लंब बटा तल 3/1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कर्ण √10। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी देखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से ए में 1/√2, साइन बी में क्या हो जाएगा, लंब कर्ण बटा 2 / 5, यानी कि 2/√5, और साइन सी में देखिए लंब क्या हो जाएगा, 3/√10। अब देखिए यहाँ अगर हम नीचे सबसे एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, √10। अगर √10 हम एलसीएम ले लें तो इसको भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √5, ये आ जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा 3, यानी कि किस अनुपात में आ जाएगा, √5, 2√2 और 3, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा।
यानी कि रूट पाँच, दो रूट दो तीन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।